उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल की एक प्रेस वार्ता नए पदाधिकारी की घोषणा के संबंध में उपजा प्रेस क्लब में आहूत की गई। संयोजक अमित भारद्वाज ने बताया, हमारे संगठन से लगातार व्यापारी समूह जुड़ रहा है और जो व्यापारियों के हित को संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा, उनको दायित्व भी निभाना चाहिए। संगठन के महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे भाई विशाल मल्होत्रा को जिम्मेदारियां के साथ मंडल में संगठन को मजबूत बनाने के लिए उनको मंडल प्रभारी की घोषणा की जाती है। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है, राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल अपने कार्यों के प्रति हमेशा से निष्ठावान रहा है और विगत वर्षों में जो कार्य राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने किए, मैं गर्व से कहता हूँ, हमारे भाई विशाल मल्होत्रा के नेतृत्व में वो कार्य कोई व्यापार मंडल और नहीं कर पाया। और आज हमारी ताकत और बड़ी है, दोगुनी हुई है। हमारे बड़े भाई डीके जैन जी, जो कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्षता भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे भाई राजकुमार राजपूत जी, जिन्होंने व्यापारी हितों के लिए बहुत संघर्ष किया है, आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो निश्चित ही राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल अपने आप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज राष्ट्रीय जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने एक प्रेस वार्ता आहूत की थी। जैसे कि हमारे कुछ साथी अभी संगठन में शामिल हुए थे और आज हमारे व्यापार मंडल के संयोजक भाई अमित भारद्वाज जी ने और जिम्मेवारी सौंप दी है हमें। महानगर अध्यक्ष के साथ साथ हम मंडल प्रभारी का भी दायित्व रहेगा। आशा इस उम्मीद के साथ कि हम पूरे मंडल में अपने संगठन को खड़ा कर सके, इस उम्मीद के साथ वही जो हमारे पुराने साथी बहुत तेज तरार थे, व्यापारियों के लिए हमेशा हित में खड़े रहे हैं, ऐसे हमारे साथी भाई राजकुमार राजपूत जी को आज हमने संगठन का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। डीके जैन जी को जिला चेयरमैन के पद पर मनोनीत किया है। राजकुमार जी के सहयोग में महामंत्री के रूप में भाई अनिल पाटिल जी को बनाया गया है। कोषाध्यक्ष के रूप में सुधीर जैन हिंग वाले शामागंज में हैं, सुधीर अग्रवाल जी, उनको आज हमने कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। वहीं महानगर में भी कुछ हमने लोगों को मनोनीत किया है, जैसे महानगर महामंत्री के रूप में संजय गोयल जी, डॉक्टर शफीकुद्दीन जी, उपाध्यक्ष के पद पर सरदार जसविंदर सिंह मोनू और सुमित वर्मा जी को भी मनोनीत किया है। और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जब ये अपनी जिले की पूरी टीम आगे राजकुमार जी और डीके जैन जी खड़ा करेंगे, तो निश्चित ही तौर पे एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग साथ में जुड़ेगा और संगठन को और व्यापारी हितों के रखते हुए आगे निरंतर बढ़ता रहेगा, संगठन का नाम रोशन करेगा, इस आशा उम्मीद के साथ। देखिए, आज जो राज्य जागरण उद्योग व्यापार मंडल की टीम में हमारे राजकुमार राजपूत जी आए, जैन साहब आए, आशु जी आए, इन लोगों के आने से हमारे राज्य जागरण उद्योग व्यापार मंडल का बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ गई है, क्योंकि ये लोग अनुभवी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नए लोग हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष करा है व्यापारियों के लिए और ये लोगों को संघर्ष इतना संघर्षशाली लोग हैं कि लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस खुशी की बात सबसे ज़्यादा यही है कि राज्य जागरण उद्योग व्यापार मंडल में इन जैसे अनुभवी लोगों के साथ जुड़कर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इनके पुराने एक्सपीरियंस को लेकर साथ में हम लोग भी कुछ अच्छा करने के शहर के लिए सोचेंगे, व्यापारियों के लिए।